स्टार स्टेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले हैं सूर्य के एक खास गुजर की। सूर्य 14 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और सूर्य और बुध जब भी शुभ भाव में एक साथ होते हैं तो एक खास योग बनता है जिसे हम बुधादित्य नाम का राजयोग कहते हैं। इस बार 14 जून 2020 को मध्यरात्रि में 11:53 पर सूर्य जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई तक वे इसी राशि में रहेंगे और फिर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि का में जाने पर सूर्य का अन्य राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम बात करते हैं इस विषय पर। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर कुछ खास रहने वाला है। इसके प्रभाव से विद्यार्थियों को विद्या एवं बुद्धि का बल विशेष रूप से प्राप्त होगा तथा उनका पराक्रम बढ़ेगा। भाग्य आपका साथ देगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। जो जातक बहुत दिनों से यात्रा करने का मन बना रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नौकरी पेशा जातक अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अब अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो ये दौरान स्वास्थ्य का जो है ये जो समय रहेगा टोटल वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने वाला है, तो आपको स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में कि वृष राशि के लिए यह जो गोचर है वो किस तरह से प्रभाव डालेगा। सूर्य का इस खास गोचर का प्रभाव से आपको धन संपत्ति तथा कुटुंब के सुख में वृद्धि के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, परंतु घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। भूमि मकान वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी दिमागी मेहनत करनी पड़ सकती है। नौकरी व्यवसाय की स्थिति पूर्ववत रहेगी, परंतु आप पहले से अच्छा महसूस करेंगे। और अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। सूर्य के गोचर के प्रभाव से आपके अंदर तेज, साहस और पुरुषार्थ की वृद्धि होगी। आप अपनी मेहनत और अनुभव के बल पर उन्नति और प्रगति के शिखर को छू सकेंगे। पूर्व के जो आपके रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। ये एक उचित समय और अवसर हो सकता है जब आप अपने सम्मान को बढ़ा सकते हैं, अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और लोग आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। परंतु एक मैं खास सलाह आपको देना चाहता हूँ कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, यानी कि आप जो है वो क्रोध ना करें। आपके शब्द किसी के मन को चुभ सकते हैं, किसी को आपकी बात बुरी लग सकती है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं इसी क्रम में कर्क राशि के बारे में। सूर्य के मिथुन राशि में जाने से खर्च के योग आपके बनने वाले हैं और किसी भी कार्य के परिणाम के लिए आपको भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है, परंतु देश विदेश से लाभ के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। सुख सुविधाओं का आप अच्छा लाभ उठा सकेंगे और विरोधियों पर आप अपना प्रभाव जमाने में सफल रहेंगे और जो आपके अन्य कार्य हैं वे सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। तो हमने बात करी पहली चार राशियों की कि आप इन मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के लिए ये जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है। दर्शकों, यदि आप जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, हमारे जो ज्योतिष एक्सपर्ट हैं उनसे करवाना चाहते हैं, तो आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। इसके अलावा आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstell.com। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर करने से आय के नए स्रोतों का उदय होगा और जो आपके रुके हुए काम हैं, जो आपका रुका हुआ धन है, वो भी आपको वापस मिल सकता है। जहाँ एक ओर शारीरिक शक्ति में आपकी वृद्धि होने वाली है, वहीं दूसरी ओर आपका जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से सुखद समाचार आपको मिलेगा और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। घर परिवार का जो माहौल है वो भी आनंदपूर्ण रहने वाला है। तो कुल मिलाकर सूर्य का जो गोचर है वो सिंह राशि के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए जो ये गोचर है वो क्या प्रभाव डालने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से प्रशासनिक क्षेत्र में आपको जो है वो सफलता मिलने वाली है। आपकी जो मेहनत है वो थोड़ा सा भाग दौड़ तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन भाग दौड़ के बाद भी आपको एक अच्छी सफलता मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये वो समय है जब आपको जल्दबाजी में थोड़ा निर्णय नहीं लेने होंगे, आपको जल्दबाजी नहीं करनी होगी, बल्कि आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा।
दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आप अगर अपनी सुख सुविधाओं पर अगर आप मन पसंद खर्च करना चाहते हैं, मन खोल कर दिल खोल कर खर्च करना चाहते हैं, तो वो आप आराम से कर पाएंगे। ऐसा भी महसूस होता है कि आपको माता भूमि मकान आदि के सुख में थोड़ी सी कमी का आभास होगा, लेकिन आप अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के प्रभाव से आपको कार्य में सफलता मिलेगी और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। एक तरफ आय के नए साधनों का सृजन होगा तो दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र में नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और सामाजिक कार्यों में आपका जो अनुभव है उसके आधार पर आपसे सेवा मांगी जा सकती है, आपसे सुझाव मांगे जा सकते हैं। कह सकते हैं कि आपको जो है वो स्वतः ही धन सुख का लाभ प्राप्त हो सकता है और आपको भाई बहन का सुख भी मिलेगा। आपका जो पराक्रम है उस पराक्रम में आपकी वृद्धि होने वाली है। बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि के बारे में। तो इस गोचर के प्रभाव से राज्य प्रशासन पिता एवं व्यवसाय के पक्ष की तरफ से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, वृश्चिक राशि के लिए गोचर थोड़ा सा प्रतिकूल साबित होगा, परंतु संयम और धैर्य के साथ कार्य करते रहने इसकी आपको ज़रूरत है। और आप अगर मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ अगर अपने कार्य को करते रहेंगे तो आप ज़रूरत के लायक जो धन है उसको आप आसानी से कमा लेंगे, अपनी ज़रूरतों को आप पूरा कर लेंगे। इसके अलावा कुटुंब और परिवार का जो सुख है वो आपको प्राप्त होगा और छोटी मोटी समस्याएं परिजनों का जो सहयोग, उससे आप उन समस्याओं से आप बाहर निकल पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। सूर्य के इस खास गोचर के प्रभाव से स्त्री पक्ष से सुख सौभाग्य और आनंद की प्राप्ति आपको होगी। अभी जो अविवाहित हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए रिश्तेदारों के माध्यम से रिश्ते आएंगे, लेकिन कुछ जातकों के अपने जीवन साथी से विचार मिलाने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी व्यवसाय की स्थिति में अगर बात की जाए तो मुझे सुधार होता दिखाई दे रहा है, परंतु भाग्य के भरोसे रहकर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व से चली आ रही शारीरिक परेशानियों का जो है वो समाधान आपको मिल जाएगा, परंतु यात्रा आदि के दौरान वाहन आदि का इस्तेमाल आपको सावधानी से करने की सलाह दी जाती है। यदि आप अपना वाहन चलाते हैं तो आप वाहन की अच्छी तरह से जांच करें और इसके अलावा आप यातायात के नियमों का जरूर पालन करें। यातायात के नियमों की अनदेखी करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर करने से विरोधी पक्ष पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि विरोधियों द्वारा की गई जो मेहनत का लाभ है वो आपको मिल जाए। पूर्व से चल रहे विवादों का हल आपको मिल जाने की उम्मीद यहाँ पर दिखती है और कार्य क्षेत्र में नए लोगों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ा सकता है। संतान पक्ष के दायित्व को आप भली बाति निभा पाएंगे। अपने रिश्तों को लेकर के अगर आप परेशान हैं, अगर आप चिंतित चल रहे हैं, तो आपके लिए सूर्य का गोचर सुखद रहने वाला है। आपके रिश्तों में नज़दीकी आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो अगर कुंभ राशि की बात करूँ तो इस गोचर के प्रभाव से विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में प्रवीणता आपको प्राप्त होगी। संतान पक्ष से लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा और सहयोग की उम्मीद भी की जानी चाहिए। विपरीत लिंगी मित्र के सहयोग से आपको नौकरी व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों में सफलता के साथ सम्मान से नवाजा जा सकता है। अपने बुद्धिबल से बिगड़े हुए कार्यों को सुलझा पाने में आप सफल रहेंगे और सभी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी। आप समय का आनंद लीजिए, ये गोचर आपके लिए काफ़ी हद तक सुखद रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के प्रभाव से मकान वाहन आदि का यानी कि भौतिक सुख साधनों का आप लाभ उठाने वाले हैं। आपके भौतिक सुख साधनों में आपका इजाफा होने वाला है। ये कह सकते हैं कुछ मित्रों के रूप में उपस्थित शत्रु आपके कामकाज में बाधा पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की खास सलाह हम आपको देना चाहेंगे जो आपके मित्र हैं, लेकिन अगर आप उनको शक की दृष्टि से देखते हैं तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है, परंतु अपने मन को भोग विलास की वस्तुओं की तरफ आपको जाने से रोकना होगा।
समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें, क्रोध से बचें और पारिवारिक जिम्मेदारों को समझें और उन्हें समय दें, परिवार को समय दें। और अन्य मामलों के हिसाब से अगर इस गोचर की हम बात करें तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये हमने बात करी एक सामान्य फल की कि सूर्य का जो गोचर होगा वो 12 राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सूर्य आपकी कुंडली में किस स्थिति में गोचर कर रहे हैं या किस स्थिति में विराजमान है जन्म कुंडली में। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588800990 और हमारी वेबसाइट है www.starstell.com। दर्शकों, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई क्लिप में बता चुका हूं कि हम जियो का जो नेटवर्क है, जियो टीवी पर है, उस पर आ चुके हैं। वहां पर भी आप हमारी सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा जल्दी ही हम टाटा स्काई पर आने वाले हैं, वहां भी आपको हमारी सेवाओं का आनंद उठाने का लाभ मिलेगा। और आप एलेक्सा के माध्यम से भी हमारी सेवाएँ जो मंदिर महिमा आरती है उनका आप लाभ उठा सकते हैं। किसी भी वक्त आप बिना संकोच के हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो जानकारी है उसे हम गुप्त रखते हैं। दर्शकों, हम एक नई जानकारी के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।